सनातनी शेर की ऐसी दहाड़, वक्फ बोर्ड के बाद देश में लागू होगा हिंदू बोर्ड। बाबा बागेश्वर ने इस बार ऐसी बड़ी हुंकार, मौलानाओं में मच गया हड़कंप। हिंदुओं के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मोदी से की ऐसी डिमांड, 56 मुस्लिम देशों में मच गया घमासान। हिंदू आस्था के साथ हुआ था खिलवाड़, फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने दे दिया ऐसा बयान, मचा दिया तूफान, देखते रह गए सनातन विरोधी। जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे 56 मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। किसी को समझ नहीं आ रहा, करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या। देश में भी इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री के इसी बयान की चर्चा है, हर कोई इसी पर बात कर रहा है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने मंगलवार को बड़ा सवाल उठाते हुए कह दिया कि अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। हम भारत सरकार से चाहेंगे, जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान है। उन्होंने छतरपुर में अपने अनुयायियों के सामने कहा कि हमें सूचना मिली कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जैन बोर्ड की चर्चा की है। ऐसे में हम भारत सरकार से चाहेंगे कि जब देश में वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि षड्यंत्र और प्रपंच रचने वाली सभी ताकतों पर रोक लगाकर हिंदू बोर्ड बनाया जाए, और हिंदू बोर्ड बनाए जाने की हम पूर्ण रूप से मांग करते हैं और इसका समर्थन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं की सहनशीलता देखकर हमारा खून उबाल मार रहा है कि हम लोगों के सामने कुछ लोग कितने बड़े बड़े प्रपंच रच रहे हैं। आपको बता दें, इसके पहले बाबा बागेश्वर ने मध्य प्रदेश में NCERT कक्षा 3 की पर्यावरण पुस्तक को लेकर बयान दिया था। पर्यावरण की किताब के पाठ चिट्ठी आई है को लेकर एक अभिभावक ने शिकायत दर्ज कराई थी। खजुराहो के रहने वाले डॉक्टर राघव पाठक ने इसकी प्रशासन को शिकायती आपत्ति जताई थी। उसके बाद से ही मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब बाबा बागेश्वर के बयान के बाद ये पूरा मामला और ज्यादा गर्मा गया है। उन्होंने कहा कि इस पाठ में लव जिहाद को बढ़ावा दिया गया है। यही नहीं, उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं प्रायोजित तरीके से हिंदू बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में पढ़वाया तो नहीं जा रहा। बाबा बागेश्वर के इन दोनों बयानों ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। हर ओर अब इसी बयान पर चर्चा हो रही है। ऐसे में आप बताइए, क्या आपके मुताबिक भी देश में क्या एक हिंदू बोर्ड का गठन होना चाहिए? हिंदुओं से जुड़ी जो भी समस्या है, जो भी विवाद है, सब हिंदू बोर्ड के तहत सुने जाने चाहिए? क्या हिंदू बोर्ड सनातनियों का और हिंदुओं की आवाज होनी चाहिए? और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में पाठ्यक्रम में लव जिहाद को लेकर जो आरोप लगाया गया है, उससे आप कितने सहमत हैं? और अगर आप मध्य प्रदेश से इस खबर को देख रहे हैं और आपका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है, तो क्या उसके भी पाठ्यक्रम में ऐसा कोई पाठ है जो कि लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके जरूर बताएं। और धीरेन्द्र शास्त्री पर आप क्या सोचते हैं, उसको लेकर भी कमेंट जरूर करें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।